हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया के लेक्चर के लिए, तो उसी प्रकार से मैं पार्ट वन जो है आपके लिए आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और ये मेरा पार्ट टू है। तो दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए हम ये लेक्चर ला रहे हैं और आप ही के लिए लेक्चर है, सब कुछ आप ही के लिए है, वीडियो भी आप ही के लिए बन रहा है, चैनल भी आप ही के लिए बन रहा है। तो आप चलिए इसे पढ़ाई करिए और जो भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ संचय के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, सैक्रेड ग्रूव्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और स्टेप टेकन बाई इंडियन गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में लेक्चर आ चुका है, बस हम इंग्लिश में आपके रिक्वेस्ट के लिए इसको ला रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेशनल पार्क, दिस इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ गजेटेड नोटिफिकेशन। नेशनल पार्क बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एक नोटिफिकेशन निकालती है, उसके द्वारा वो किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट मे चेंज द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क विद प्रायर अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अगर नेशनल पार्क के बाउंड्री को चेंज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल चाहिए किससे? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है दोस्तों, हमें बताएंगे जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाएंगे 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में ये एक बॉडी बनाई गई थी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं नेशनल पार्क में। एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू ग्रेस, और एनिमल्स को चलने की भी अनुमति नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं 2014 में एग्जाम दिया था ना अपना रेलवेज का, SSC का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था मेरे, ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ऐसे आया था। और इट इज़ डिजाइन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ओके फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल पार्क कवर 1.23% एरिया ऑफ इंडिया, जो 1.23% एरिया है इंडिया का, वो नेशनल पार्क कवर करता है। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप जानते ही हैं, 1936 में बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका जो पुराना नाम था वो हैली पार्क था। बाय जुलाई 2018 देर आर 104 नेशनल पार्क, 104 नेशनल पार्क हैं जुलाई 2018 तक। एंड नो नीड टू पास द एक्ट टू चेंज द बाउंड्रीज, नेशनल पार्क की अगर बाउंड्री को चेंज करना है तो बस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन चाहिए, उसके लिए किसी भी एक्ट को पास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली पिक्चर है कहाँ कहाँ नेशनल फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, तो इसको अभी दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे आते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो बांधवगढ़ में पाई जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है, ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए फेमस है, एक सिंह जो है गेंडा वाले के लिए ये फेमस है। ये केबू लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है, ये वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये यहाँ के हिरणों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन तो मैं पढ़ाई चुका हूँ आपको, ये मैंग्रोव्स के लिए भी फेमस है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर जो है वो कान्हा पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश में है ये, ध्यान रखिएगा। और जो फेमस जंगल बुक थी ना, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी जंगल बुक, वो इसी नेशनल पार्क पे बेस्ड थी। गिर नेशनल पार्क दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एशियाटिक लाइन है, यहाँ पर गुजरात में पाया जाता है और ये एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में 1930 में बनाया गया था, फर्स्ट नेशनल पार्क है और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है जहाँ से टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका पुराना नाम हेली पार्क भी है। कीलादू नेशनल पार्क राजस्थान में है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? फेमस फॉर माइग्रेटरी साइबेरियन क्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया है, ध्यान रखिए दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है, एलिफेंट के लिए फेमस है और आल्सो फेमस फॉर इंडियन बाइसन एंड चौसिंगा। चौसिंगा क्या होता है? एक हिरन होता है, देखिए चार सिंह होती है ना, उसे बोलते हैं चौसिंगा। अब कुछ और देखिए नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, टाइगर के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क ये टाइगर एंड एलिफेंट के लिए फेमस है। पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, टाइगर के लिए फेमस है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है, टाइगर एंड एलिफेंट के लिए फेमस है। पेरियार नेशनल पार्क ये केरला में है और टाइगर एंड एलिफेंट के लिए फेमस है।
डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर है, हांगुल एंड कश्मीर डियर के लिए फेमस है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजुंगा सिक्किम में है, लीपर्ड के लिए फेमस है, नमदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वायर के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क आसाम में है, एलिफेंट के लिए फेमस है, और बलफकरम नेशनल पार्क ये जो है मेघालय में है, ये एलिफेंट और गोल्डन कैट के लिए फेमस है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, रेड पांडा के लिए फेमस है, डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ वेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है, माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, चंद प्रभा नेशनल पार्क ये यूपी में है, और पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, बेटला नेशनल पार्क झारखंड में है, पालामोल नेशनल पार्क ये झारखंड में टाइगर के लिए फेमस है, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, टाइगर एंड वाइल्ड बफेलोज के लिए फेमस है, नागार्जुना नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है, टाइगर के लिए फेमस है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है, लैंड टेल मघो के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क ये गुजरात में है, और बनाघट्टा नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो आप पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। बिल्कुल सिंपल है, जैसे नेशनल पार्क में है वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, बस क्या अंतर है मैं बताऊंगा आपको। दिस इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ गेजेटेड नोटिफिकेशन। तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट बनाती है नेशनल पार्क को एक नोटिफिकेशन के जरिए, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट मे चेंज द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क विद प्रायर अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन के बाद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाउंड्री को चेंज कर सकती है, बदल सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। देखिए नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है। एनिमल्स आर अलाउड टू ग्रेस, एनिमल्स को चलने की अनुमति है, लेकिन वहाँ पर नेशनल पार्क में एनिमल्स को चलने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों ये अंतर ध्यान रखिएगा वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क में। इट इज़ डिजाइन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड नो नीड टू पास द एक्ट टू चेंज द बाउंड्रीज। बस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बाउंड्री को चेंज कर देगी, कोई भी एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लीजिए दोस्तों। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, वन ऑन डायनासोर्स के लिए फेमस है, पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद में है, पालामो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, बार्किंग डियर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, एलिफेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है, एलिफेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ एस सेंचुरी वैरान ऑफ कच्छ में है, वाइल्ड लाइफ गुजरात ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा गुजरात में है, ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया है, भीमबंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैसूर में है, कर्नाटका में लीपर्ड के लिए फेमस है, चंद प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनारस में है, दम्भा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐजवाल मिजोरम में है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, घाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, ब्लैक डियर के लिए इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, ग्रेट इंडियन बस्टर वाइल्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है, ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए फेमस है, एंड डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, बर्ड साइंटिस्ट जो थे ये फेमस है, क्योंकि ये सलीम अली जो थे बर्ड साइंटिस्ट थे, और बर्ड साइंटिस्ट को जो जूलॉजी में बोला जाता है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये नेशनल पार्क है, और आगे पढ़ाएंगे कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और टाइगर रिजर्व, ये सब जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं बनाया गया दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम था, ये यूनेस्को द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इट्स एम वाज टू रिसर्च एंड एजुकेशन इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मकसद था कि कंजर्वेशन में रिसर्च एजुकेशन हो और सस्टेनेबल यूज हो। सस्टेनेबल यूज दोस्तों होता क्या है, देखिए हम आज कुछ यूज़ कर रहे हैं ना, उससे हमारे फ्यूचर प्रभावित ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम ऐसी आज सारा हम कोयला खर्च कर लें और फ्यूचर के लिए बचाएं ना, ऐसा ना हो, हम यूज़ करें लेकिन सस्टेनेबल यूज़ करें, फ्यूचर को ध्यान में रख के करें। इंडिया जो है मैप की पार्टी है, इंडिया हैज़ डिक्लेयर द नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 1986, ध्यान रखिएगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में जारी किया था, इंडिया डिक्लेयर की थी, और इंडिया में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें देखिए तीन जोन होते हैं, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया, और एक होता है ट्रांजिशन एरिया। जितने भी रिसर्च वगैरह होती है ना, मॉनिटरिंग, वो कोर एरिया में होती है। ओके फ्रेंड्स, कोर एरिया में होती है, और बफर एरिया जो होता है वो एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए होता है, एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग के, यहाँ पर रिसर्च और मॉनिटरिंग, यहाँ पे एजुकेशन भी, और यहाँ जो होता है घूमने फिरने के लिए होता है, ट्रांजिशन एरिया। तो कोर एरिया में तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, बफर एरिया में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, और ट्रांजिशन एरिया में फुल जो है ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 18 के 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके लिए दिए हुए हैं, पूछा जाता है इसको जरूर पढ़िएगा, नेशनल पार्क याद ना हो लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व याद होना जरूरी है। देखिए
ग्रेट रन ऑफ कोर्स गुजरात में हो, गल्फ ऑफ मन्ना तमिलनाडु में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ध्यान रखिएगा, दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, शीश चलम हिल्स आंध्र प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, मानस आसाम में है, कंचनजुंगा सिक्किम में है, अगस्तमली बायोस्फीयर रिजर्व केरला में है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में है, नोकरेक मेघालय में है, दिब्रू जो है आसाम में है और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स, जाने के सबसे पहला नीलगिरी था और जो स्टार बने हुए हैं ना 10, वो यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड हैं, जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, पंचमरही, सिमलीपाल, अमरकंटक, अगस्तमली, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक, ये सब यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये दिया बायोस्फीयर रिजर्व। अब आता है कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए, जैसा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया था, वैसे ही कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया था। एक्चुअली क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2002 में अमेंडमेंट किया गया था, उस अमेंडमेंट के तहत इसको बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, द कंजर्वेशन रिजर्व कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द एरिया विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट स्पेशली इन द एरियाज एडजेसेंट टू द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। एक्चुअली होता क्या है, जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो ज़मीन होती है, उनकी खुद की ज़मीन होती है, उस पर बनाया जाता है और ये हमेशा नेशनल पार्क और सेंचुरी के बगल होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व तो तमिलनाडु में था, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था। ये देखिए मैं दिया ना, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल बनाया गया है। अब आता है कम्युनिटी रिजर्व, ये भी देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत बनाया गया था। कम्युनिटी प्रोटेक्शन रिजर्व्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड विच डज नॉट इंक्लूड नेशनल पार्क, सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखो कम्युनिटी जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा था वो केवल और केवल सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ ये किसी प्राइवेट या किसी कम्युनिटी लैंड में बना सकते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व था वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के बगल बनाया गया था, लेकिन ये जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके बगल बनाया जाए। तो ये अंतर है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व में। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, नेशनल पार्क ये दिया हुआ वाइल्ड सेंचुरी लगभग 500 के ऊपर है, कंजर्वेशन रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व ये मिला के इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके फ्रेंड्स, सेक्रेट ग्रुप्स क्या होता है, सेक्रेट ग्रुप्स जो है वो फॉरेस्ट के कुछ एरिया या नेचुरल वेजिटेशन कुछ एरिया होते हैं, उनको हम सेक्रेट ग्रुप्स कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, दीज सेक्रेट ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड बाई लोकल कम्युनिटीज ड्यू टू देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स दैट हैव बीन रनिंग फॉर मेनी जनरेशंस। एक्चुअली होता क्या है, कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं या कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ के वहाँ लोकल लोग ही कुछ धार्मिक जो है उनकी विश्वास होता है, कुछ रीति रिवाज होता है, जिससे क्या होता है कि वो कुछ उस जगह के लोकल फॉरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसी लोकल फॉरेस्ट को हम लोग सेक्रेट ग्रुप्स कहते हैं। इंडिया में लगभग 13,270 सेक्रेट ग्रुप्स पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है जंगल है ना, इसमें देखिए मंदिर बना हुआ है, तो आसपास के जितने भी जंगल आसपास के एरिया हो वो वहाँ के लोकल लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुँचाते। अब आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखिए, इंडिया एक पहला कंट्री था इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विच हैज़ मेड द लीगल प्रोविजन फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पहला कंट्री था जिसने कोई लीगल प्रोविजन किया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बर्ड्स एंड प्लांट्स। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर छोड़कर ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू है। इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं अंडमान निकोबार के, उनके भी जो कंजर्वेशन होते हैं उनके बारे में उनको भी कंसर्न रखता है। ओके फ्रेंड्स, अ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन फॉर्म इन द एक्ट। ध्यान रखिए, वाइल्ड लाइफ मैंने जैसे बताया था आपको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो पीएम होते हैं वो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं, और जो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट होते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल 1 और 2 क्या कहता है कि हाइएस्ट पेनाल्टी फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन एंड क्राइम्स। बेसिकली क्या है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं शेड्यूल 1 और 2 में जिसमें बहुत प्रोटेक्शन रखा गया है, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको हाईएस्ट पेनल्टी से गुजरना पड़ता है। शेड्यूल 2 और 4 में कुछ ऐसी प्रिजर्व चीज़ हैं, रिजर्व चीज़ हैं कि आप उनका उल्लंघन करते हैं तो पेनल्टी काफ़ी कम है। शेड्यूल 5 में ऐसे जानवर रखे गए हैं जिनका आप हंट कर सकते हैं, और शेड्यूल 6 में फार्मिंग और प्लांटेशन के बारे में, सेफ्टी के बारे में कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें 6 शेड्यूल होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2006 में अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, बेसिकली चेयरमैन जो होते हैं, वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट होते हैं,
On the recommendation of Tiger Conservation Authority, the state government may notify one area as Tiger Reserve. Tiger Conservation Authority के recommendation पे ही state government जो है किसी एक area को Tiger Reserve बना सकती है. जो largest Tiger Reserve area है वो नागार्जुन सागर श्री सलाइम आंध्र प्रदेश में है, और smallest Tiger Reserve जो है वो पंच Tiger Reserve जो है मध्य प्रदेश में. ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ये बताया कि 9 सितंबर 1972 को पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था. ये पूरे इंडिया में है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, और इसमें 6 शेड्यूल हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा. ये टाइगर रिजर्व देखिए दोस्तों, ध्यान रखें कि इसमें काफ़ी टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं. इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, काजीरंगा जैसे इंपॉर्टेंट है ना, मानस इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सबसे बड़ा है, पेंच इंपॉर्टेंट है ना, इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, कान्हा इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, और कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है, दुधवा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. फिर ध्यान रखिएगा सुंदरबन इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग. ओके, अब आता है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अंतर. देखिए रिजर्व फॉरेस्ट का होता है, दिस फॉरेस्ट कम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं. कोई भी नोबडी इज अलाउड टू इंटर पब्लिकली. कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई भी इसमें इंटर नहीं कर सकता. अप्रॉक्सिमेटली 53% जो है, जितना भी इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है उसका 53% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है. ओके फ्रेंड्स, अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का होता है, लोकल पीपल्स जो होते हैं वहाँ से जो है आ सकते हैं और कुछ लकड़ियाँ वगैरह ले सकते हैं. परमिशन टू ग्रेज कैटल विदाउट कॉजिंग सीरियस डैमेज टू द फॉरेस्ट. आपको वहाँ चराने की अनुमति है लेकिन बिना किसी फॉरेस्ट को सीरियस नुकसान पहुँचाए. दिस फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 29% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री. जो 29% एरिया है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदी का जो लक्ष्य आया था तो उसमें फॉरेस्ट पॉलिसी छूट गया था, तो इसमें ये मैं इसमें कवर करवा ले रहा हूँ आपको. देखिए सबसे इंडिया में जो इंडिया जब आज़ाद हो गया ना, इंडिपेंडेंट हो गया, तो दो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी. एक 1952 में आई थी 1952 में, एक 1988 में आई थी. और दोनों फॉरेस्ट पॉलिसी का कहना था कि जो इंडिया की जो 33% एरिया है वो फॉरेस्ट होना चाहिए. 33% एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर. ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा. तो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसमें भी 33% होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे इंडिया की सबसे पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, तो इंडिया की सबसे पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1894 में, उसके बाद आई 1952 में, उसके बाद आई 1988 में. तो ये जो दोनों आई ये इंडिपेंडेंट इंडिया में, और ये जो आई जब अंग्रेज का शासन था. ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये चीज़. इंडिया में जो फॉरेस्ट एक्ट आया था सबसे पहला, वो 1927 में आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को यूज़ करना है, ड्यूटीज़ हमारी क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट एक्ट आया था वो 1927 में आया था. ये हमने पढ़ाया है जब आपको एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ाए हैं तब उसमें है ये. ओके, अब देखिए एक ट्रेंड दिया हुआ है. देखिए सबसे पहले नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में आई थी, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बनाया गया था 1950 में. फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अब 1988 में आई है. और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मार्च एक्चुअली क्या था कि मार्च अभी जो चल रहा है ना, मार्च 2018, उसमें जो है जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है उसको थोड़ा रिवाइज करने की बात कही है, क्योंकि आज के चैलेंजेस हमारे कुछ और हैं. तो जो गवर्नमेंट है वो चाहती है इस पर ड्राफ्ट पॉलिसी अपनाई हुई है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है. ओके फ्रेंड्स, अब खुद देखिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट लिए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, प्रोजेक्ट वल्चर 2002 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, एंड 3 वल्चर स्पेसीज वर डिक्लेयर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय द IUCN इन 2000. एक्चुअली 3 वल्चर स्पेसीज थी जिसको IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा था 2000 में. एक थी वाइट बैट वल्चर, सिलेंडर बिल वल्चर और लॉन्ग बिल वल्चर. एक्चुअली IUCN बेसिकली क्या है, IUCN दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये रेड लिस्ट देता है. रेड लिस्ट में क्या होता है कि एनिमल्स को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो वो सब जो है IUCN करता है. और ये मैंने आपको जब मैं आपको यूनाइटेड नेशन पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था. एक इस IUCN ने कहा था कि एक जो ड्रग है डायोक्वी वो बहुत डेंजरस है वल्चर के लिए. तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स. ये जितने चीज़ें आपको बताई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये और मैं आशा रखता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा. आप लोग परेशान ना होइए, मैं आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए मैं इसको भी इंग्लिश में ले आया. तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए दोस्तों, मैं आप ही के लिए आया हूँ, आप ही के लिए सब कुछ है. ओके, थैंक यू.